नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स, और चैप्टर का नाम होगा इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रल्स भी कहते हैं। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स इससे, 10 मार्क्स इससे, मतलब आपका इंटीग्रेशन चैप्टर से 20 मार्क्स के आने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन किसको कहते हैं? तो इंटीग्रेशन जो है वो उसका डिफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन उल्टा विधि है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो हम लोग देखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग थे ना कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस एक नया टर्म आएगा सी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन एक्स का आपको हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं माइनस साइन एक्स। तो ये भी तो कह सकते हैं इस माइनस को इधर आए तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो बताइए माइनस कॉस एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स प्लस सी। इस तरह के 13-14 फॉर्मूला है जो हम लोग देख लेते हैं, और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। पूरा पूरी 20 मार्क्स आपका इससे आने वाला है, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से आप सीखने का प्रयास करेंगे तभी आप इसको सीख पाएंगे, क्योंकि 20 नंबर बहुत होता है कैलकुलस का। कैलकुलस में यदि 44 नंबर है तो 44 नंबर में से आपका 20 नंबर इसी से है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा चैप्टर होगा और कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो नो डाउट हम लोग अभी 1, 2, 3 फॉर्मूला देखे, आइए कुछ और देख लेते हैं। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, यहाँ दे दिए माइनस, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये माइनस इधर होता था तो इधर भी दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तब आप क्या बताएंगे? बताएंगे माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी, चौथा हो गया। आइए पांचवा, हम लोग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या देखे थे? कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स का आपका ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखिए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कॉसेक सेक कॉट, कॉट का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या देखे थे? कॉट का डिफरेंशिएशन हम लोग देखे थे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस को हम यहाँ लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आप बताइए कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आप बोलेंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी, बिल्कुल सिंपल। अब हम लोग इस तरह का भी देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। अब हम बात करें कि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का, तो e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर एक्स प्लस क्या c होगा। तो डिफरेंशिएशन से रिलेट करके हम लोग इसको पढ़ते हैं ताकि हम लोग इसको भूले नहीं, भूल नहीं पाए, ध्यान में रहे, है ना। इसीलिए अब हम लोग और पढ़े थे e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो e टू द पावर एक्स का, सॉरी, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे e टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसको हम लोग ये कांस्टेंट है तो इधर ला सकते हैं, तो ऐसे नहीं लिख सकते, है
डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, इधर गुना में तो इधर आ गया, तो भाग में बोलिए क्या बच गया, इधर इधर बच गया ए टू द पावर एक्स। तो यदि कोई पूछ ले कि भाई बताओ कि ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन आप बताएंगे क्या, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बताएंगे, है ना। आइए नॉर्मा को हम लोग देखें, नॉर्मा क्या लिखेंगे देखते हैं। नॉर्मा में हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू हम लोग 1/x पढ़े थे। तो कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो बताइए ना, हो जाएगा ना लॉग एक्स प्लस सी। तो आप हम लोग समझ गए। अब हम लोग ये देखते हैं, 10 हो गया। इसके बाद हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था कि 1/√1 − x², है ना। तो अब बताइए कि 1/√1 − x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो बता देंगे आप लोग। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो 1/√1 − x का इंटीग्रेशन आप क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी तरह से हम लोग देखे थे साइन का, उसके बाद कॉस का एक ही जैसा होता है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये था −1/, यहाँ देखिए सेम होता था, यहाँ सिर्फ माइनस रहता था, तो ये माइनस यहाँ दे देते हैं। तो आप बता दीजिए होता है ना 1/√1 − x² dx, तब क्या हो जाएगा, इसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसी से तीन में ही काम चला लेते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए और हम बता दे रहे हैं आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स पढ़े थे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेन इनवर्स एक्स का हम लोग क्या पढ़े थे, 1/√1 + x², ये डिफरेंशिएशन था। यदि कोई पूछ दे कि 1/√1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, है ना। तो अभी तक हम लोग 12 फॉर्मूला देख लिए, और कुछ देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं 13। 13 में है कि डी एक्स सॉरी ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था कि 1/√x² − 1, ये डिफरेंशिएशन है। तो यदि कोई पूछ दे कि भाई बता दो dx/x√x² − 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो कौसे कॉट ये सब हो गया, 13 हम लोग देख लिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रखना है तभी आपको क्वेश्चन बनेगा। एक और हम लोग नेक्स्ट जो है 14 नंबर देखते हैं। 14 में हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट, x^n का डिफरेंशिएशन कोई बता पाएंगे आप लोग, x^n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ n x और क्या n-1 होता है डिफरेंशिएशन किसका, x^n का, इंप्लाई में और पावर में एक की कमी हो जाता है। चलिए इसी तरह से एक लगातार इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछ लें आपसे, तो क्या बताएंगे, x^n+1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो यहाँ भी पावर गुना में, देखिए पावर गुना में, फिर
एक्स, फिर पावर में एक की कमी, है ना। तो कितना हो गया, ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन इतना हो गया। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, और ये गुना में तो नीचे आ गया, तो क्या भाग में एन प्लस वन डी एक्स। तो इसका जो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो गया, सीधा सीधी बता दीजिए, तो एक्स टू दी पावर एन, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही पाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ एक सवाल है कि अब बताइए कि एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा। एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन यही ना होगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन सी। कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर जितना पावर है तो उसमें एक जोड़ देना है और उतना ही से भाग दे देना है बस। तो इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में एक जोड़ देंगे और उतना ही से भाग दे देंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, इस पर बेस्ट कुछ आपको एग्जाम्पल्स हम देते हैं। तो फ्रेशली हम लोग एक बार और लिख लें कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, यही होता है। तो इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएं कि आप बताओ एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो n के जगह पर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 1 अपॉन 2 जोड़ 1 जोड़ सी, तो कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 3/3 + c, है ना। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ दिए और उतना ही से भाग कर दिए, आंसर हो गया, बहुत आसान है ना। चलिए एक और बनाते हैं हम लोग, एक्स पे पावर 3/2 दूसरा क्वेश्चन है ना ये। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें पावर में भी उतना ही जोड़ेंगे, बोलिए कितना, 3/2 जोड़ 1 अपॉन 3/2 जोड़ 1 + c, इसको हल कर लेंगे तो भिन्न का जोड़ है 3/2 और 1 5/2 अपॉन कितना, 5/2 + c, इसको और सजा के लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 और एक्स पे पावर 5/2 + c, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो अब एक और इस तरह का और देख लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि एक्स पे पावर -3 का आप इंटीग्रेशन, तो एक्स पे पावर -3 आ सकता है, तो ये पावर में क्या होता है, एक जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -3/1/-3+1+c, तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर -2/-2+c, इसको और सजा के लिख सकते हैं -1/2 और -1/2, और इस माइनस को नीचे लाना चाहते हैं तो 1/x² + c, तो ये भी आपका इन हो गया। तो हम लोग अभी 3 तरह का पावर देखे, एक पॉजिटिव, नेगेटिव, एक फ्रैक्शन। तो इस तरह से जब भी आएगा तो आपको इस पे बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, एक्स पे पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बात नहीं, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, / 7+c, तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये था हम लोगों का क्या फार्मूला, आज हम आपको 1 से 14 तक फार्मूला बताए, और उसी 14 से आपका लगभग लगभग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप उसको घर में बना सकें। तो सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन मैं दूं आपको, तो आप इसको ईमानदारी पूर्वक, यदि आप वीडियो यहाँ तक देखे होंगे, तो ये सब क्वेश्चन ना बड़ा आसानी से आप बना लेंगे। ये सब क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, यदि आप ऊपर का वीडियो देखे तो कितना समझे नहीं समझे ये हमें पता लगना चाहिए।
तो ये सेल्फ प्रैक्टिस आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे सेल्फ, है ना। तो आप इंटीग्रेशन का दे देते हैं क्वेश्चन दो चार, आप इसको बनेंगे, दे देते हैं एक्स पे पावर 3 dx बना लेंगे, जरूर बना लेंगे। दूसरा दे देते हैं एक्स पे पावर 5 dx, एकदम बना लेंगे। तीसरा दे देते हैं 2x³ dx, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को बाहर निकाल के आगे आप काम करिएगा, है ना। चलिए बता ही देते हैं इसको। मान लीजिए कि मान लिया 2 को बाहर निकाल लिया, अब क्या हो गया x³ dx, ये 2 का 2 हो गया, और एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/4 + c, यार ये कट गया तो बोलिए कितना हो गया, x⁴ / 2 + c। तो अंक वाला रहेगा तो अंक कहीं मल्टीप्लाई है तो उसको बाहर कर लेंगे। हाँ एक और है कि x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बताइए ना कि यहाँ पावर कितना है, 1, तो 1 है तो पावर में क्या हो जाएगा, 1 और जुड़ जाएगा, 1 जोड़ 1 उतना ही से भाग भी कर देंगे, तो बोलिए कितना हो जाएगा, x² / 2 + c। यदि बोल दिया जाए y dy, तो y dy का भी क्या होगा, पावर 1 है तो y⁴ + 1, तो हो जाएगा y⁴ / 2 + c। तो ये आपको अभी तक 2 मिला है, और मान लीजिए छठा में हम आपसे उम्मीद करेंगे कि बनाएंगे घर में 2x³ / 3/2 dx। सातवां है 3x⁴ dx। आठवां है x⁹ dx। और नौवां है 2x⁵ / 2 dx। ये 9, और 10 में है 2x dx। 10, आप इसको 10 प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। थैंक यू।